हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं पहली बार बीएससी थर्ड ईयर का क्लास लेके आया हूँ। कई बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे पर्ल कल्चर के लिए, तो यहाँ पे हम मोती निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। अगले साल का क्लास मेरा छूटा हुआ है, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। इस वाले बैच का पूरा क्लास कवर हो जाएगा, क्योंकि अगले साल क्लास मेरा लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैं सारे क्लास को अवेलेबल नहीं करा पाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे पर्ल कल्चर के बारे में, या फिर कह लें पर्ल फार्मिंग के बारे में, या पर्ल फॉर्मेशंस के बारे में। तो ये देखो कहां पे होता है, इसके प्रोसेस क्या है, ये बॉडी के किस पार्ट्स में सही तरीके से कंट्रोल होगा, वो कोऑर्डिनेट होता है। उसके साथ साथ कुछ फिगर्स दिखाई दे होंगे, यहां पे मैं चार छोटे छोटे फिगर लेके आया हूं, जो देखेंगे स्पेशली पर्ल कल्चर के बारे में क्या कहने वाले हैं या क्या कहते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ये एक मोलस्का का एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, वो इसकी इंटरनल बॉडी की बात कर रहा है, इंटरनल बॉडी में क्या स्ट्रक्चर्स हैं उसके बात करेंगे। तो ये हमारा पहला ऐसा पार्ट्स है, या कह लें कि पूरे हमारा पर्ल, जो हमारा पर्ल है, पर्ल फॉर्मेशंस का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहां पे पार्टिकल्स आते हैं और मूव होते हैं, और यहां पे मूव होने के साथ साथ दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप का फिगर मैं जल्द आपको बना दूंगा इसी ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन अभी हम इस चार फिगर की सहायता से देखेंगे स्पेशली पर्ल कल्चर के बारे में। तो ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन तो हो गया, क्या पढ़ना है हमको, ठीक। आपसे भी अनुरोध है कि जैसे अगले साल वाले बच्चे हमको काफी लाइक और काफी सब्सक्राइबर लाके दिए, वैसे आप भी मेरी हेल्प करते रहेंगे, तो इसीलिए आप यदि पहली बार आए हैं और लास्ट ईयर की वीडियो देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या करें, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दे। आपसे अनुरोध है कि हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ाइए तेजी से तेजी, क्योंकि हमको ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा अपने स्टडी मटेरियल को ज्यादा दूर तक पहुंचाने का बेनिफिट मिल सके, और सारे बच्चों के पास कुछ बेहतर नॉलेज पहुंच सके, यही कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी उम्र में, ठीक। तो ये देखो एक प्रोसेस हुआ, शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा, आपके क्लासमेट के पास पहुंच जाएगा। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पे, सीखते हैं आज कुछ नया, देखते हैं हमारा मोती निर्माण यानी पर्ल फॉर्मेशंस क्या कहने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो पहले फिगर की बात करेंगे, तो हमने बोला ये मोलस्का का एनिमल है। आपने पूरा फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था स्पेशल मोलस्का के बारे में कि मोलस्का है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मोलस्का के जितने भी एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी पे एक मेंटल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेंटल होता है, वो स्पेशली बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स को या फिर सारे ऑर्गन को सही तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है, कि वो बाहर से कोई हीटिंग, या फिर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म, या फिर बाहर से कोई ऐसा मटेरियल ना लगे मोलस्का के एनिमल में कि वो उनको हार्मफुल पहुंचाएं। इसीलिए मोलस्का के एनिमल में क्या पाया जाता है, हमारा मेंटल लेयर पाया जाता है, जिससे वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है अपने ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे एक मेंटल बना है, मैं यहाँ पे सीप को लेके आया हूं, आप जिससे हम मोती का निर्माण करते हैं या पर्ल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसके फूड्स की बात कर रहा है, जिसके वजह से लोकोमोशंस करते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ ग्रोथिंग की बात कर रहा है, ये जितने लाइन बढ़ेंगे, और लाइन यहाँ पे हो सकते थे, जितनी लाइन बढ़ती है वो ये दिखाती है कि हमारा जो शीप है वो ज्यादा लंबे समय तक ग्रोथ कर रहा है, या ज्यादा लंबे समय तक लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। बात करेंगे इसके लाइफ टाइमिंग के, तो इसका लाइफ टाइमिंग 6 ईयर से मतलब अधिकतम 6 ईयर होते हैं, 6 साल तक ये जिंदा रह सकता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो मोती डेवलपमेंट्स हैं ये 8 महीने तो लग ही जाते हैं, तो ऐसे लगभग 2 या 3 बार मोतियों का निर्माण कर सकता है, लेकिन जब हम इनको मोती निकालते हैं तो इनका डेथ हो जाता है। ओके, ये चीज लगातार अपने माइंड में बनाए रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो बात करते हैं यहाँ पे सेल वाला की बात करते हैं, ये इसके लास्ट लेयर है, यहाँ पे एक उठा हुआ भाग होता है जिसको अंबो कहते हैं। तो ये तो छोटे छोटे यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये शेप है जस्ट हमारे पर्ल कल्चर के पहले फिगर का, मतलब मोलस्का एनिमल्स हैं, आप लगातार जान रहे हैं, और मोलस्का के जितने भी फीचर्स हैं आप उसको जान रहे हो कि मोलस्का के स्पेशल फीचर स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स में नजर आते हैं कभी भी हमको समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 क्या कह रहा है, फिगर नंबर 2 एकदम सिंपल से बॉडी की बात कर रहा है कि हमारा जो मोलस्का का एनिमल होता है वो क्या दिखा रहा है अपने छोटे छोटे सब पार्ट्स में, या कहां पे सही तरीके से हमारा मोती का निर्माण
होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो यहां पे देखो क्या कर रहा है, ये हमारा फूट है, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या रहा है, वर्सेस थ्रेड्स की बात कर रहा है, यहां पे दिख रहे हैं, अभी बता रहा हूं उसका वर्क। यहां पे गिल्स है जिसकी वजह से वो रिस्पिरेशन में वर्क करते हैं अपने मोलस्का के ऑर्गेनिज्म। आगे बात करेंगे, यहां पे सेकेंड न्यूक्लियस की बात कर रहा है इस वाले पॉइंट की, तो मतलब इसमें फर्स्ट न्यूक्लियस कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता होगा। आगे बात करते हैं एनस की, तो ये एनस पार्ट्स है जहां से पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल या सॉरी वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकलता है अपने डाइजेशन सिस्टम करने के बाद। ओके स्टूडेंट, तो आगे बात करते हैं, देखो ये वाले पार्ट्स उतना ज्यादा है नहीं, हार्ट की बात कर लें, मतलब इसमें हार्ट भी डेवलप होते हैं। आप इस चीज को लगातार ध्यान बनाइए रखिएगा, कभी आपको सिप मिल जाता है प्रैक्टिकल करने के दौरान, ये प्रैक्टिकल में भी आपको कराया जाएगा स्पेशली हार्ट, और यहां से इसके गिल्स को देखने के लिए कराए जाते हैं, कुछ नर्वस सिस्टम आपको इंक्रीज कराए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहां पे क्या है, आप फर्स्ट ईयर का एक बार बुक उठाइएगा, वहां पे जाके पाइला के बारे में सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम इसी के बारे में पढ़ें, हम पाइला को भी देखेंगे, तो वहां से भी हम छोटे छोटे नॉलेज को उठा सकते हैं अपने समझने के लिए। ओके, तो यहां पे और बात करते हैं, माउथ सेक्शंस हैं, मतलब जहां से ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा वहां की बात कर रहा है। आगे बात करेंगे यहां पे सेल की, मतलब ये मेंटल है जो हमारे बॉडी पे पाए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करना चाहेंगे, ये जो मेंटल बना रहा था, ये जो ये पार्ट बना रहे थे वो CaCO3 थे, और यहाँ पे हम सेल के बारे में लिख सकते हैं कि जो हमारा सेल था वो क्या था, CaCO3 था, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स में। अब बात करते हैं इसकी, ये देखो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे सही तरीके से पाइला या फिर मोलस्का के ऑर्गेनिज्म में एक ऐसे पार्ट्स को कवर करते हैं जहां से सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये गिल्स हो गया, ये मेंटल पार्ट्स हो गया, ये सेकेंड न्यूक्लियस, ये इसका माउथ है, मतलब ये कह लें सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे तो इसके माउथ सेक्शन होते हैं जहां से पूरे के पूरे फर्ल फॉर्मिंग में मददगार साबित होगा। ओके, ये तो रहा मोलस्का के एनिमल के बारे में इंट्रोडक्शन की, क्या है मोलस्का और इस फिगर में क्या मिल रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं, आप क्या करेंगे एक शॉर्ट स्क्रीन लेंगे जल्दी से, क्योंकि फिगर में और हो सकता है ज्यादा घिचपिच हो जाए हमको फिगर कंप्लीट करते करते, तो आप जल्दी से क्या करेंगे एक छोटा सा शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, क्योंकि आपके लिए बाद में फिगर को डेरिवेट करने के लिए या फिगर को ड्रॉ करने के लिए काफी हेल्प होगा अपने नोटबुक पे। ओके, तो आप फिगर को शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे, आप चलते हैं फिगर नंबर फर्स्ट के पास चलेंगे स्टूडेंट, उससे पहले कुछ जीके जानेंगे, जीके के बेसिस पे ये जानेंगे कि हमारा जो पर्ल कल्चर है इसके बारे में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए या कहां से ये आया, जिसके बाद हम सही तरीके से आज पर्ल कल्चर कर पाते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लगातार बनाए रखिएगा माइंड में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आप यदि याद रखते हैं लंबे समय तक, तो आप छोटे छोटे यदि मैसेज करने जाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसके सहायता से आप डील कर लेंगे। ओके, तो देखो मेरे पास कुछ नोट्स भी है यहां से, मैं कुछ भी नोट्स लाया हूं, तो नोट्स के बेसिस पे हम देखते हैं नोट्स क्या कह रहा है। तो नोट्स ये कहना चाहता है, यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हमारा मोती है स्पेशल, जो हमारा पर्ल है, ये एक स्पेशल डिजाइनिंग किया गया मटेरियल नहीं है, ये कह लो कि पार्टिकल्स के लेयर बाय लेयर जब एक कंटेनिंग होती है, जमा होने लगती है, उसके बाद इसका फॉर्मेशन होते हैं। मतलब ये कह लें कि जो हमारा जो फॉरगेन बॉडी होती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी भी किसी भी मोलस्का के अंदर जब जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज इसके लिए काम करते हैं, तो जहां भी वो जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, कंटेनिंग करते हैं, मतलब लगातार कलेक्शन होता है पार्टिकल्स का, उसके बाद वो थोड़े थोड़े बड़े छोटे छोटे से पार्टिकल्स को इकट्ठा करते करते वो बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं और वो एक पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो आपके सिलेबस में स्पेशल इसके फॉर्मेशन की एक्टिविटी नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, हम इतना जानेंगे कि क्या है और कैसे डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लगातार क्या करिएगा, आप अपने माइंड से हटा दीजिएगा, यहां से मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, स्पेशली यही पूछा जाएगा पर्ल फॉर्मेशन क्या है और इसकी स्पेशल जो कल्चरिंग है वो क्या है। तो कल्चर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, यहां पे केवल आपको इसके बारे में देखा जाएगा। ओके,
तो अब देखो, ये तो मैंने बताया कि जो हमारा फर्ल बन रहा है वो पार्टिकल्स, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी सहायता से बन रहा है। जस्ट लाइक आपने कभी स्टोन देखा होगा, किसी के किडनी में स्टोन होता है, तो स्टोन पर्टिकुलर है क्या? क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि स्टोन क्या है। स्टोन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सिलिका के, वो अदर ऑर्गेनिक सॉरी अलग अलग केमिकल की सहायता से स्टोर होने लगते हैं हमारे किडनी में, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स का प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड के थ्रू, वो हमारा होता है कहाँ पे? किडनी में। तो किडनी में पार्टिकल्स की प्यूरिफिकेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग से कलेक्शन किए जाते हैं, मतलब छानने के बाद वो अलग से इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद देखो धीरे धीरे जमा होने लगता है। अब जब जमा होता है तो एक समय ऐसा आता है कि हमको 2 mm, 6 mm, 10 mm, 20 mm तक के और लगभग उससे भी लार्ज होते हैं किसी किसी में, और किसी में मिमी में होते हैं, मिलीमीटर में होते हैं। ठीक, तो इतने बड़े स्टोन की प्राप्ति हो जाती है, मतलब निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में। तो जो स्टोन का स्पेशल डिजाइन है, आपने कभी देखा होगा स्टोन का जो स्पेशल डिजाइन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा एक कह लो कि हार्ड मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे जो हमारा पर्ल कल्चर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा पर्ल बनता है, मोती बनता है, वो ये दिखाता है कि हमारी बॉडी सही तरीके से कैसे डेवलप है और डेवलप के साथ साथ वो कैसे बनाना चाह रही है किसी भी पार्टिकल्स को या पार्टिकल्स के साथ मिलाने के लिए। तो हमने बताया क्या, हमने यही बताया कि स्पेशल जो हमारा पर्ल कल्चर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के कलेक्शन होने के बाद ही डेवलप हो रहा है और वैसे ही लगातार डेवलप होता रहेगा। हमको ये ध्यान रखना होगा, कभी भी अपनी पूरी अपने सेक्शंस में या जब तक हम थर्ड ईयर में हैं तब तक, ठीक, हमको इतना ध्यान रखना होगा कि कैसे हम मोती निर्माण को पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा चाह हमारा कुछ छोटे छोटे फिगर। ठीक, तो हम पीछे इधर कंप्लीट कर लिए, तो अब देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे इसको सिंपल नेम से, यदि कॉमन नेम की बात करेंगे कि कॉमन नेम किसके फॉर्म में ये बुलाया जा रहा है, किसके फॉर्म से कहा जाता है, तो एक मुक्ता नाम सुने हैं, इसको आइसो कॉल्ड की बात कर रहा है, लगातार आल्सो कॉल्ड, मतलब लगातार हम बुलाते हैं मुक्ता नाम से, मतलब जो हमारा पर्ल है इसको मुक्ता भी हम कह सकते हैं शॉर्ट नेम। ठीक, आगे की बात कर रहा है, यदि हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पर्ल पाए जाते हैं। ठीक, मतलब पर्ल के डेवलपमेंट करने वाले जो मोलस्का ऑर्गेनिज्म है या मोलस्का स्पीसीज अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पे पिनकोडा मैक्सिमा है, उसके बाद यहाँ पे पिनकोडा स्पेशल फुंगटा है। ये अलग अलग स्पीसीज हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे आज के पर्ल कल्चरिंग में उपयोग किए जा रहे हैं या यूज किए जा रहे हैं। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से उठा सकते हैं इस नाम को। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो चाइना, और चाइना के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लगभग वर्ल्ड के लगभग 13 की बात करो कि 13 या 14 कंट्री ऐसे हैं जो पर्ल कल्चर को आज एक इंडस्ट्रियल तरीके से लाए हैं। वहां पे इंडिया भी काम कर रहा है इसके लिए लगातार, मतलब पर्ल कल्चरिंग कल्चर को सही तरीके से देखना हो तो सबसे पहले चाइना और जापान इस क्षेत्र में उभर के आए थे। उसके बाद लगातार कंट्री ने इसके लिए पर्लिंग की सही तरीके से व्यवस्था करने लगे कि मोलस्का ऑर्गेनिज्म को आप पालो, वहां पे आप उसको कल्चर करो, कल्चर करने के बाद आपको मिलेगा क्या, एक स्पेशल पर्ल मिलेगा जो एक काफी कीमती वस्तु के रूप में या काफी कीमती प्रोडक्ट के रूप में काम आता है। जो अर्नामेंट्स होते हैं मतलब हमारे ज्वेलरी हैं, अर्नामेंट्स में काफी यूज किए जा रहे हैं हमारे ज्वेलरी के रूप में, क्या, मोती। अब बात करेंगे फीमेल की तो उनके लिए तो भाई लाइफ स्टाइल है, यूज तो करेंगे ही। ठीक, आगे बात कर रहा है, सबसे पहले बात करें तो इनका जो निर्माण था या डेवलपमेंट था वो जापान में हुआ। जापान में एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि 1890 मतलब 1819 में एक साइंटिस्ट आए, तो अब बात करेंगे 1890 में, तो 1819 में एक सिंपल से जापान के लगभग हमारे पास आइसलैंड के थे, वो जापान के लोग कहते हैं उनको, लेकिन आइसलैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका नाम था कोनकिची मिकीमोटा। तो कोनकिची मिकीमोटा नाम के साइंटिस्ट थे, वो कितने में आए, 1890 ईस्वी में आए, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने सबसे पहले एक तालाब था, एक पौंड था, पौंड में उन्होंने सबसे पहले
और इस ऑर्गेनिज्म को मोलस्का को पालने की कोशिश किया, लेकिन बाढ़ आने की वजह से ठीक वो सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। फिर बाद में उनका जापान में जाके जापान के लोगों ने फिर तरीके से उनका निर्माण किया और आज जाके जो हमारा पल कल्चर है वो आज जापान से ही निर्मित होकर हमारे पास आया है। ठीक, आगे बात करेंगे जी इंडिया की, बात करेंगे सबसे पहले 1938 ईस्वी में, मतलब 1938 में मद्रास में ही सबसे पहले डेवलप किया गया था पल कल्चर को। ठीक, आगे बात करेंगे, कुछ और आ रहा है सबसे अच्छा आभूषण की बात करेंगे, तो ये पिनकिडा वल्गैरिस है, सबसे अच्छे आभूषण और सबसे फर्स्ट रैंकिंग की कोई आभूषण होती है तो वो क्या आपकी सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाली कोई पर्ल है, तो वो बोल रहा है पिनकिडा वल्गैरिस या वल्गैरिस। वल्गैरिस एक ऐसी स्पीसीज है जो सबसे फर्स्ट रैंक की और सबसे फर्स्ट रैंक पे आज तक बना है अपने स्पेशल पर्ल को देने के लिए। यदि आपको फर्स्ट रैंकिंग की कभी भी पूछता है क्वेश्चन तो आप क्या करें, आप पिनकिडा नाम लिखिएगा, पिनकिडा वल्गैरिस स्पीसीज जो काम करती है स्पेशली फर्स्ट रैंकिंग के पर्ल के डेवलपमेंट में। आगे बात करेंगे, दूसरा है एक सबसे अच्छी की बात करेंगे यदि हम, एक नाम और आता है आइलैंड ऑफ ब्रह्मन या ब्रिनिन या ब्राइन। ठीक, ये वायराइन नाम के थे या फिर हम कह लें कि सबसे हाई क्वालिटी के यदि हम बात करें, उसको आप डैश करके हटा भी सकते हैं अपने पॉइंट से, यदि सबसे हम हाई क्वालिटी की बात करते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी की यदि कोई मिलती है तो वो होती है आइसलैंड की बारिन। ठीक, तो आइसलैंड की जो बारिन है वो सबसे अच्छी काम कर रही है अपने किसके लिए, हाई क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यदि कभी कभी आपको हाई क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप एक नाम लिखेंगे छोटे से पॉइंट्स में कि आइसलैंड का जो हमारा वारिन होता है, ठीक, वारिन सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला या फिर सबसे अच्छा क्वालिटी देने वाला पर्ल होता है। आगे बात करेंगे, अगला एक और बोल रहा है यदि आपको सिल्वर कलर ज्यादा पसंद है, सिल्वर कलर आप ज्यादा लाइक करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो हमारा पिनकिडा मैक्सिमा है इंडिया वाली, ठीक, ये भारत में पाई जाने वाली एक स्पीसीज है, इससे डेवलप होती है जो हमारे सिल्वर कलर का एक स्पेशल पर्ल या मोती देने का काम करता है। ठीक, तो ये तो हुआ जीके, अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस की, तो इसके क्लासिफिकेशंस को थोड़ा सा देख लें, मोलस्का का एनिमल होगा, ठीक, और इसका एक जो हमारा स्पीसीज की बात करेंगे तो स्पीसीज हम यहाँ पे क्या लिए हैं, पिनकुडा लिए हैं, ठीक, और उसके बाद सॉरी जीनस पिनकुडा है, स्पीसीज तो आप वल्गैरिस मैक्सिमा ढेर सारा नाम रख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। तो अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट्स की तरफ, अब देखते हैं क्या होते हैं डेवलपमेंट तरीके से। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इस पॉइंट्स की तो ये हमारे इसके बॉडी में है, अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स मिल रहे हैं सिलेटेड एपिथेलियम, मतलब यहाँ पे एपिथेलियम जो बना होगा वो एपिथेलियम होगा, ठीक, जो निचले मतलब लोअर लेयर ये कह सकते हो, लोअर लेयर के जो हमारा सिलेटेड एपिथेलियम है वो ये बनाता है कि ये सिलेटेड मतलब मूव करता हुआ नजर आएगा। आगे ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूं, आप लिख सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्नेरी सिक्रेशन या सिक्रेटिंग मटेरियल होते हैं वो है, उसके बाद आगे एक सिंपल से बॉडी लेयर है। ठीक, तो ये तो हो गया अपने पॉइंट्स के, जस्ट फिगर यहां भी मिलेगा। अब बात करते हैं इस वाले का, तो ये फॉर्गन बॉडी है, मतलब इसका निर्माण आप बात करेंगे इसी के बारे में, तो देखो ये इतना बड़ा मैंने बनाया, इतना बड़ा पर्टिकुलर होता नहीं, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में होते हैं, मतलब यदि हम नोट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जब कोई बाहर से, मतलब ध्यान समझना, जब कोई बाहर से कभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहे रेत के हो, चाहे अदर मटेरियल के हो, चाहे वो किसी भी मैराइन वाटर के ज्यादा वेस्ट मटेरियल हो, जब वो छोटे छोटे टुकड़े में किसी मोलस्का के बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, मोलस्का के बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं मेंटल से होकर, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो हमारा एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम के जो बाह्य लेयर होता है उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, मतलब इसके बॉडी में घुसेंगे, इसके बॉडी में जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स घुसते हैं वो हमारे एपिथेलियल के चारों किनारे फैल जाते हैं। फिर एपिथेलियम क्या करता है, वहां पे एक गड्ढा बनाता है, एक कह लो कि थोड़ा सा हमारा लोअर पोजीशन बनाएगा, ठीक, डाउन पोजीशन बनाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये डाउन पोजीशन बनाता है, जहां पे सारे के सारे मटेरियल या सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं किसके,
जो हमारे फॉरगेन बॉडी या फिर जो हमारे पार्टिकल्स आए हैं, चाहे वो सिल्का हो चाहे कोई भी, वो क्या करते हैं एपिथेलियम से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद एक कह लो कि एक गोली है, एक सराउंडिंग या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं। इसी सर्कुलर को स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्पेशल, एक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या कहते हैं मुक्तफ या मुक्ताफ नाम दिया जाता है। तो मुक्ताफ, इसलिए इसको मुक्ता भी कहा जाता है। तो मुक्ताफ का निर्माण करते हैं, यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखो मुक्ताफ निर्माण का मतलब आप ध्यान समझना। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो बात करते हैं इस पॉइंट्स की, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जब ये मटेरियल आ जाते हैं तो यहाँ पे जो नेक्र स्टेनिंग की बात कर रहा है या फिर सिक्रेशन की बात करता है, सिक्रेटरी मटेरियल ये लगातार करते हैं क्योंकि इनके पास एक लेयर डेवलप होता है। मतलब ये समझना हमको है कि यहाँ पे जो नेक्रस लेयर था या बॉडी लेयर जिसकी बात किया था, ये जो नेक्रस लेयर है ये लगातार एक लिक्विड या कहने की एक जेली सदृश या जेली लाइक स्ट्रक्चर्स या जेली लाइक जो हमारे धीरे धीरे मटेरियल होते हैं या जेली स्ट्रक्चर्स वाले मटेरियल होते हैं उनको लगातार वो सिक्रेट करते रहते हैं। और जब वो सिक्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स कवर होता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नेकर है ठीक। तो नेकरस के बाद में यहाँ पे जो नेकर की बात कर रहा है वो स्टैंडिंग मटेरियल क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो हमारा उधर का फॉरगेन बॉडी आती है उसके चारों तरफ ये लग जाते हैं। जैसे फिगर नंबर टू में आपको दिख रहा है, सॉरी फिगर नंबर फोर में इसका टू है, तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, ये भी आपका नेकरस पोजिशन होगा। आप इस पॉइंट को लगातार अपने माइंड में बनाए रखेगा क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहा है ये भी आपका नेकरस लेयर की बात करेगा। ये जो हमारा है वो हमारा नेकर आपका जो है और नेकर जो स्टेनिंग कर रही है या सिक्रेशन मटेरियल है वो एक लेयर कवर करती है। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर्स को कवर कर लेगी, मतलब इसके 75% एरिया को ये कवर कर लेती है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स कवर करता नजर नहीं आता है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये अगले वाले फिगर में, यदि फिगर नंबर हम बनाने के लिए बोले थे अभी हम क्या बनाए, आप अभी इसीलिए इसी फिगर में देख ले। इस फिगर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये स्ट्रक्चर पूरा इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा और ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के साथ साथ क्या करेगा, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको बना ले अभी ये इसी तरीके से सही तरीके से इसको क्लोज कर लेंगे। और जब ये क्लोज कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेक्रस लेयर है उन लेयर को मैं हटा लेता हूँ, नेक्रस को हटा लेता हूँ, जो हमारे स्पेशल जेली लाइक स्ट्रक्चर थे उनको हटा कर उनके बॉडी में जो ये बीच में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये बीच वाला, इस बॉडी के बीच से हम क्या करते हैं इस मटेरियल को निकालते हैं। जब हम इस बॉडी को निकाल लेते हैं तो स्पेशली हमारा यही होता है क्या, हमारा यही होता है क्या, हमारा यही होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, ये होता है हमारा पर्ल होता है। क्या होता है पर्ल, मतलब यही तो हमारी सिंपल सी है क्या, ये है हमारी मोती जो हमारे सिलेबस में पूछा जा रहा है। ओके, तो आप इस पॉइंट को लगातार याद रखिएगा, जब बाहर से कभी भी समुद्र आएगा या समुद्र के पार्टिकल्स आएंगे या सब मैराइन वाटर के कोई भी पार्टिकल्स आएगा या फिर सिल्का आएगा या फिर कोई भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल आए ठीक, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आता है तो उसकी बॉडी में घुसती है, वहां पे नेक्रस लेयर होगा। नेक्रस लेयर क्या करती है, एपिथेलियम के साथ मिलकर एक सिक्रेटरी मटेरियल या फिर कहले एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स या जेली मटेरियल सिक्रेशन करता है जो एपिथेलियम के चारों ओर बिखर जाती है। बिखरने के बाद जो फॉरगेन बॉडी आई होती है उसके चारों तरफ ये घेर लेते हैं। घेरने के बाद फिगर नंबर टू मिला था, फिगर नंबर टू में क्या देखा हमने, फिगर नंबर टू में ये देखा कि मटेरियल के चारों तरफ क्या मिला हमको, फॉरगेन बॉडी को घेरने में जो छोटे छोटे मटेरियल थे वो जमाव करने लगे, और जमाव करते करते तीसरे फिगर में ये मिला कि सही तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया और बाद में ये डेवलप हो गया हमारे स्टोन के जैसे हमने किडनी में बताया था, वैसे ये एक हार्ड मटेरियल बनता है जिसको हम बाहर निकालते हैं तो सिंबस हमारा पर्ल बनता है यानी मोती बन के निर्माण जाती है। तो ये रहा स्पेशल आपके इस फिगर के बारे में कि कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है मोती का। तो स्पेशल मोती कोई बड़ा चीज नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद मतलब जो हमारा ये है क्या, हमारा स्पेशल मोलस्का के एनिमल होते हैं उसको हम बीच से डाइहेंस कर देते हैं ठीक, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वहां से जो हमारा म्यूकस लेयर या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं किसके, नेक्रस के, उसको हटा लेते हैं। मुक्ताब जो होते हैं उनको हटा लेते हैं। हटाने के बाद हमारा बीच में पर्ल होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाद में उसकी स्पेशल अलग अलग डिजाइनिंग, ध्यान रखिएगा, स्पेशल जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मोती वही होते हैं
सबसे अच्छा हमारा जो पर्ल होता है वो वही होता है जो सराउंडिंग हो, गोला हो, अच्छा हो, सॉलिड हो, ठीक। वो डेवलपमेंट माने जाते हैं कि काफी अच्छे, लेकिन अलग अलग स्पीसीज अलग अलग कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने सिल्वर के बारे में देखा, ठीक। तो आपको क्या चाहिए, आप मार्केट में जाके अलग अलग मोती देखेंगे तो अलग अलग डिजाइनिंग के मिलेंगे, ठीक। अभी कभी कभी अनडेवलप होने की वजह से अलग अलग शेप साइज मिल जाता है, बाद में लोग उसको डिजाइनिंग मतलब मॉडिफाई करके अलग अलग डिजाइन में कवर करते हैं अपने पल कल्चर के में। तो यहाँ पे कुछ स्थान स्टूडेंट्स काफी इजी था, ठीक। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि पल के बारे में बता दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पल कल्चर के बारे में। आपका वीडियो लगातार कम मिलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ज्यादा हमको इस साल मदद करना है। आपके वीडियो तो लगातार अवेलेबल हैं, आप वहां से कुछ वीडियो उठाते रहिए। जो लगातार आपको टॉपिक नहीं मिल रहे हैं जूलॉजी के, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उस वीडियो को पूरा करता नजर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।